वहीं भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस और भाजपा के साथ अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशी भी जोर शोर से अपने समर्थकों के साथ वार्डो में प्रचार के काम में जुटे हुए हैं। इस विधानसभा सीट में मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव और भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे के बीच है। ये दोनों प्रत्याशी दूसरी बार आमने सामने हैं। वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस के देवेंद्र यादव ने भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे को 2,839 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। कांग्रेस प्रत्याशी को 51,044 तथा भाजपा प्रत्याशी को 48,195 मत प्राप्त हुए थे। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों पर तो भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जनता से वोट मांग रहे हैं और दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। योजना जो भी होती है वो जनता डिसाइड करते हैं और क्रियान्वयन हम करते हैं, तो मैं बस यही कहूँगा इसी तरह निरंतर हमारा एक दूसरे पे विश्वास बना है और बना रहेगा। और आने वाले समय में बीजेपी के लिए चुनौती है, क्योंकि चुनाव कोई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं या नेताओं से नहीं है, जनता से, बीजेपी का। आगामी 2 नवम्बर से भिलाई बचाओ अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भिलाई नगर विधानसभा के प्रत्येक मतदाताओं के पास जाएगा और पिछले 5 वर्षों में जो भिलाई की दुर्दशा हुई है, भिलाई के लोगों के साथ झूठ और धोखा हुआ है, भिलाई को जैसे लूटा गया है और भिलाई को नशा और अपराध के गढ़ में परिवर्तित किया गया है, भिलाई के युवाओं को जो IITian बन रहे थे उन्हें महादेव ID की ओर धकेला गया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच जाएंगे। इस सीट से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने अपने उम्मीदवार के रूप में जहीर खान को मौका दिया। वे भी जनता तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दूरदर्शन समाचार से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस तथा भाजपा पर स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। मूल समस्या है, जिनको जो प्रतिनिधि जब भी यहाँ पर विधायक के तौर पर रहे उन्होंने उन समस्या को समझने का प्रयास ही नहीं किया। वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, वो अपने कार्य को, भले हो सकता है जो बजट छत्तीसगढ़ सरकार का है, जो उनको बजट मिलता था उसमें परिपूर्ण रहे हैं, 100% उन्होंने अपना काम किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में रहने वाले मजदूरों का, कर्मचारियों का, श्रमिकों का, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सुविधाएं थी, जो भिलाई स्टील प्लांट लगते समय जो अनुबंध हुए थे उसकी किसी भी कंडिका का पालन नहीं होता था और जनप्रतिनिधि जो विधायक थे वो इस तरफ बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं होता। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने भिलाई नगर निगम के टाउनशिप क्षेत्र में स्वच्छ जल आपूर्ति और सीवरेज की समस्या के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार पर ध्यान देने की इस बात कही। अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 में वो इतना व्यवस्थित था, आज पहले जैसा नहीं रहा, ना वहाँ ढंग के डॉक्टर हैं, ना ढंग की मेडिसिन मिल रही वहाँ पर। आज सेक्टर 9 का जो हॉस्पिटल है एक खंडर होते जा रहा है, तो इस पर जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए। भिलाई के जो मुद्दे हैं वो प्रमुख मुद्दा यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में भिलाई ने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु रोजगार की दिशा में भिलाई थोड़ा पिछड़ा है। यहाँ के बच्चे पढ़ के इस शहर से पलायन करते हैं। रोजगार की कुछ अच्छी व्यवस्था हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी या IT सेक्टर की कंपनियाँ यहाँ आए, यह प्राथमिकता होना चाहिए जनप्रतिनिधियों के लिए भी, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं खास करके राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से। दूसरी बात, अमन चैन और शांति ये प्राथमिकता होती है किसी शहर की। इस विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होना है।